बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन सी पैक की कंटिन्यूएशन है और फाइनल हमने क्लोज करना है इस टॉपिक को, चैलेंजेस रिगार्डिंग सी पैक। सो जितना हमने बात की थी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सी पैक, सो इसमें हमने चैलेंजेस पे भी बात की थी, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस का ये एक हिस्सा है कि चैलेंजेस रिगार्डिंग सी पैक, सो इस हवाले से स्पेसिफिक टू द चैलेंजेस भी हमने टॉपिक को कवर करना है, लेकिन हमने ओवरऑल ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। तो हम गो थ्रू करेंगे, मेन आउटलाइन हमारी बनेगी सबसे पहले डेट एंड फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लेबर एंड ह्यूमन राइट्स इशू, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, डिपेंडेंसी ऑन चाइना और इम्पैक्ट ऑन लोकल इंडस्ट्रीज, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये एक एलिमेंट हमने नहीं पढ़ा था। इसके अलावा पोलिटिकल कंट्रोवर्सीज, ये हमने दो जो पॉइंट हैं ये कवर नहीं किए थे, बाकी हमने हर एक पॉइंट को एलैबोरेट किया था डिटेल से। सो एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, रिवीजन हो जाएगी हमारी। डेट एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी में आ जाएगा कि पाकिस्तान की फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो डेट है ये एक बढ़ती हुई जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, जिसको सर्विस कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो ये एक लायबिलिटी है। इस हवाले से ये भी एक चैलेंज है सी पैक के साथ कि डेट को कैसे मैनेज किया जाता है और फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है ताकि पाकिस्तान जो है बैंकक्रप्ट ना हो। सो इसमें हमारे पॉइंट्स होंगे इंक्रीजिंग डेट बर्डन फॉर पाकिस्तान, पॉइंट बी होगा हमारा चैलेंजेस इन मैनेजिंग एंड सर्विसिंग सी पैक रिलेटेड लोन्स, सी पैक के रेलिवेंट जितने लोन्स हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है, पे करना है और उनके ऊपर सर्विस कॉस्ट। इसके अलावा रिस्क ऑफ पोटेंशियल फिनेंशियल स्ट्रेन एंड डेट डिफॉल्ट इन इकोनॉमिक डाउनटर्न। सो एक रिस्क है पाकिस्तान के लिए कि किसी तरह से बैंकक्रप्ट ना हो या फिनेंशियल लायबिलिटी मीट ना कर पाए, इस हवाले से ये डेट एंड फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एक ओवरऑल चैलेंज है। इसके फर्दर जो तीन पॉइंट है वे भी हमने बात कर ली, अब हम गो थ्रू कर लेते हैं कि डेट की फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को कैसे पाकिस्तान मेंटेन रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। डेट एंड फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हैव बिकम प्रेसिंग कंसर्न फॉर पाकिस्तान, पार्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। द इंक्रीजिंग डेट बर्डन रिजल्टिंग फ्रॉम मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर द कंट्रीज फिस्कल हेल्थ। तो चाइना की ओवरऑल जितनी लायबिलिटी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो ये है तो ओवरऑल एक डेट ही, तो इस डेट को भी हमने कैसे पे ऑफ करना है और फिनेंशियल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रखनी है पाकिस्तान के फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजिंग एंड सर्विसिंग सी पैक रिलेटेड लोन्स अक्वायर्ड टू फंड एम्बिशियस डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिक्वायर प्रूडेंट फिनेंशियल प्लानिंग एंड इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो इसके लिए भी एक बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा डेट के हवाले से और ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी जो लोन ले रहे हैं उसके ऊपर जितनी कास्ट पड़ रही है उससे बेहतर फ़ायदा उठाया जा सके। मोर ओवर देयर इज़ अ लूमिंग रिस्क ऑफ पोटेंशियल फिनेंशियल स्ट्रेन एंड डेट डिफॉल्ट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न विच कुड एक्सेसरबेट द कंट्रीज इकोनॉमिक चैलेंजेस। Addressing these issues is crucial to ensure the long-term financial stability and sustainability of Pakistan's economy amidst the ambitious endeavor of the CPAC initiative. तो ओवरऑल CPAC के हवाले से ही बात चल रही है कि पाकिस्तान की जितनी liabilities बढ़ती जा रही हैं debt और debt के साथ service cost, इसको किस तरीके से maintain करना है, कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान default कर जाए। अब आ जाता है security के concern के हवाले से, उस पर भी already हम discuss कर चुके हैं detail से, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इंसीडेंट्स इन रीजन वेयर सी पैक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डिवेल्प। अभी भी रिस्क है और फ्यूचर में जब सी पैक प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा या फिर कम्प्लीट ऑपरेशनल हो जाएगा तो भी एक कंटिन्यूस थ्रेट रहेगा नेबर कंट्री से और वो ममालिक जिनको
पाकिस्तान का ये डेवलपमेंट की तरफ से जो एक बेहतरीन ऑप्शन आया है चाइना की तरफ से और एक बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही है, तो जो एरियाज हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से सी पैक का ज़्यादातर हिस्सा गुजरता है, तो वहाँ पे हमेशा ही टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इसके लिए द नीड फॉर एक्सटेंसिव सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट एंड पर्सनल। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ साथ जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तानी हों या चाइना के वर्कर्स हों, उन सबको सिक्योरिटी देना भी एक कंसर्न है, ये भी एक चैलेंज है। सिक्योरिटी कंसर्न पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू दी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन रीजन्स वेयर सी पैक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बींग डिवेल्प। देर आर इनहेरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इंसीडेंट्स दैट कैन पोटेंशली डिसरप्ट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड जिपरडाइज द सेफ्टी ऑफ पर्सनैल इन्वॉल्व। सो ये इन इलाकों में वैसे ही हालात थोड़े ख़राब रहते हैं, तो पर्सनैल के साथ साथ ओवरऑल प्रोजेक्ट की भी सेफ्टी को मलूद खातिर रखते हुए एक चैलेंज को निमटना होगा। दीज रीजन सच एज बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा हैव फेस्ड सिक्योरिटी इशूज़ इन द पास्ट विच अंडरस्कोर द नीड फॉर एक्सटेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स टू सेफ गार्ड द प्रोजेक्ट्स एंड पर्सनैल। एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर वाइटल टू मिटिगेट रिस्क एंड इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ सी पैक इनिशियेटिव एज एनी डिसरप्शन कुड रिजल्ट इन डिलेज इंक्रीज कास्ट एंड पोटेंशियल डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैल एंड एसेट्स आर पैरामाउंट फॉर सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न के साथ साथ पाकिस्तान को इसकी कास्ट भी ज़्यादा बियर करनी पड़ सकती है या पड़ती भी रहती है जब वक्तन फवक्तन कोई भी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम रुकता है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। सिक्योरिटी कंसर्न पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये शायद रिपीटेड है हमारी हेडिंग, और इसके बाद आ जाता है अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो एक तो रीजन वाइज पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में से मेजर इसका हिस्सा गुजरता है सी पैक का, बाकी जो एरियाज़ हैं बाकी जो रीजन्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और साथ साथ में चाइना और पाकिस्तान की बात की जाए तो उनमें भी बेनिफिट्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। कंसर्न ओवर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अक्रॉस रीजन पोटेंशियल फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन द डिवेलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द परसू ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। कंसर्न आर रेज रिगार्डिंग द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक गेंस अक्रॉस डिफरेंट रीजन पोटेंशली लीडिंग टू द रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन डिवेलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। विदाउट केयरफुल अटेंशन टू इंश्योर इंक्लूसिव प्रोग्रेस सर्टन एरियाज में लैग बिहाइंड इंजॉइंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स परपिचुएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वलिटीज एड्रेसिंग द दीज डिस्पैरिटीज बिकम क्रूशल टू अचीविंग सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स एज फोस्टरिंग बैलेंस ग्रोथ एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रिसेलियंट एंड हारमोनियस सोसाइटीज़। सो सोसाइटी के हवाले से ओवर यहाँ पे पाकिस्तान की ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जितने भी रीजन हैं उनको इक्वल बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर किसी रीजन को इसका कम बेनिफिट मिल रहा है तो उसको दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट वे से कंपनसेट करना ज़रूरी है ताकि कहीं भी एहसास महरूमी ना रह जाए और कोई भी इलाका तरक्की से पीछे ना रह जाए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस पर भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज़। बस एक दफ़ा रीड कर लेते हैं चीज़ें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफन हैव सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स दैट वॉरंट केयरफुल कंसिडरेशन। फर्स्टली द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट आर मेजर कंसर्न। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज डिफॉरेस्ट्रेशन एंड चेंजेस इन द लैंड यूज कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन थ्रेटनिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लोकल इकोसिस्टम। एडिशनली लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन काज एयर एंड वाटर पोल्यूशन डिस्टरप्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम एंड अफेक्टिंग द हेल्थ नियर बाई कम्युनिटीज़। सेकेंडली दीज प्रोजेक्ट्स मे हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज पोटेंशली डिसप्लेसिंग पीपल फ्राम देयर होम्स एंड डिस्टरप्टिंग ट्रेडिशनल लिवलीहुड्स।
यानी कि जो उनका नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग ट्रेडिशन है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है जो हैबिटेंट्स होते हैं, साथ साथ में जो कम्युनिटीज रह रही होती हैं। द लॉस ऑफ एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड कल्चरल साइट्स कैन हैव एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, फर्दर एक्सेसरबेटिंग इन इक्वलिटीज, देयरफॉर बैलेंसिंग डिवेलपमेंट नीड्स विद इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन इज क्रूशल टू एंश्योर सस्टेनेबल आउटकम्स फॉर बोथ इकोसिस्टम एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज़। इसके बाद अगला जो एरिया आ जाता है वो लेबर एंड ह्यूमन राइट्स इशू है। इस पर भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वर्कर्स जितने भी हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस का बेहतर ख्याल रखा जाए, उनकी जो मिनिमम वेजेस हैं उनको इंश्योर किया जाए ताकि वो और भी वर्कफोर्स जो है वो अट्रैक्ट हो, ना कि उनके हकूक की जो है वो यानी कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए और इश्यूज़ को टाइमली रिजॉल्व करना चाहिए। इसके बाद टॉलरेंस, पेरेंसी और गवर्नेंस पे भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, गवर्नेंस का बेहतर निज़ाम होना चाहिए, मेरिट पे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, किसी को नेपोटिज्म या किसी को फेवरेटिज्म के बेसिस पे या करप्शन या और किकबैक से प्रोजेक्ट असाइन नहीं होने चाहिए, जो कि नॉर्मली इन प्रोजेक्ट्स के रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग में और ट्रांसपेरेंसी पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की, वो भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को देखना होगा कि किसी तरह से भी पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रहे, और इन केस ऑफ किसी स्टेज पे हो भी सकता है कि चाइना अगर सपोर्ट ना भी करे तो पाकिस्तान की सर्वाइवल बिल्कुल एंड पे ना हो, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे कम करनी पड़ेगी, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना होगा, जो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए से फ़ायदा उठाए, और साथ में जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनको भी इम्पैक्ट होने से और क्लोजर से बचाए। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन लोकल इंडस्ट्रीज़ पे ये भी बात हम कर चुके हैं कि लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो जाएगी, और जैसा कि चाइना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लेबर भी सस्ती है चाइना में, और इसके अलावा पावर बहुत कम चार्जेस पे मिलती है, जबकि पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें कॉस्टली हैं, और इस वजह से जो ग्लोबल मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट तक जब एक्सेस होती है तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होती है। इस हवाले से जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी अगर चाइना को बिल्कुल फ्रीडम मिल जाए, हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट अगर कर ली जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो सकती है। इसके अलावा सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं, सोसाइटीज़ मूव हो रही हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं, कई कल्चरल एक्सचेंजेस हो रही हैं, और साथ साथ में सीपैक की वजह से कई सारी कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हुई हैं और उनके कल्चर को इम्पैक्ट हो रहा है, और उनको जब नई जगह पर सेटल होना पड़ता है तो उनको कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस हवाले से उन लोगों की सेटलमेंट को भी जो है वो मुद्दे खातिर रखते हुए बेहतर सिस्टम लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो चाइनीज़ सिटीज़न हैं, जो चाइनीज़ नेशनल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सेटल होना चाहते हैं कारोबार के हवाले से, काम के हवाले से, तो उनके लिए भी इससे और सिक्योर इन्वायरमेंट उनको देने की ज़रूरत है। साथ में इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो एक एलिमेंट है, इसको हमने ऑलरेडी ने कवर किया। इसमें पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम सीपैक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और पैसे की रियल पेल है, तो जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा जब लेके आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वर्कर्स को जो रोज़गार मिलता है तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए उनके अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, वो ज़्यादा खर्चे करते हैं, क्योंकि जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता है तो इस हवाले से मार्केट के अंदर जो है एक डिमांड में इजाफा होने की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, और अल्टीमेटली जब मार्केट इक्विलिब्रियम में जाती है तो इन्फ्लेशन होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस हवाले से प्रॉपर जो मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, इन्फ्लेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। द मासिव इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग एसोसिएटेड विद सीपैक प्रोजेक्ट हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर विद इन पाकिस्तान इकोनॉमी, स्पेशली इफ नॉट मैनेज्ड केयरफुली। Rapid injections of capital and increased demand for goods and services may lead to price hikes affecting the cost of living for citizens. Given the scale and scope of the CPEC, it becomes crucial for proper macroeconomic planning and coordination to be in place. Effective fiscal and monetary policies must be implemented
टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, प्रूडेंट बोरोइंग प्रैक्टिसेस एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट सीपैक्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर सस्टेनेबल एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू पाकिस्तान्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इस हवाले से अगला हमारा पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। जारी बात है चाइना का एक अपना सिस्टम है, कम्युनिज्म है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के जिन ममालिक के साथ ताल्लुक आते हैं वहाँ पे भी डेमोक्रेसी, तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का भी एक चांस है जब दोनों डिफरेंट नेचर के लोग जो है एक दूसरे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की कंडीशन देखते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट विद इन पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ड्यू टू सीपैक स्केल एंड कम्प्लेक्सिटी, द नीड फॉर कंसेंसस बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। और भी जो कुछ सीपैक के हवाले से इसके हक में हैं, कुछ इसके क्रिटिक्स हैं, तो इस हवाले से भी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती हैं। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैव इमर्ज ड्यू टू दी इट्स स्केल एंड कम्प्लेक्सिटी विद इन पाकिस्तान डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस पॉलिटिक्स डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स हैव अराइजन रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट रीजन, कि इलाकों की जितनी भी नुमाइंदगी करते हैं और फिर उनमें भी खींचतानी होती है, कुछ उसके हक में बोलते हैं, कुछ हक में नहीं बोलते जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर कंसेंसस बिल्डिंग एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग की स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल कम्युनिटीज एंड सिविल सोसाइटी इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प इंश्योर दैट कंसर्न्स आर एडजस्ट एंड द प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग फोस्टर्स ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, इनहेंसिंग द प्रोजेक्ट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइज द पोटेंशियल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को सेटल करने की ज़रूरत है, जिन इलाकों में इज़्तिराब पाया जाता है उनको फ़ायदा देने की ज़रूरत है, उनको भी लिंक करने की ज़रूरत है सीपैक के साथ ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। सो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे नोट्स के हवाले से, सिक्योरिटी चैलेंजेस का आपने जिक्र करना है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, इसके अलावा डेट एंड फिनेंशियल रिस्क है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, लेबर एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न है, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस है, इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन चाइना, इम्पैक्ट ऑन लोकल इंडस्ट्रीज, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स, इन्फ्लेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड कंट्रोवर्सीज, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, सस्टेनेबल कंसर्न। सो ये सारे के सारे जो हैं ये चैलेंजेस हैं, इनकी मेन हाईलाइट्स या मेन पॉइंट्स हैं, और उसके बाद सब पॉइंट्स भी एडेड हैं जिनको आपको नोट करना होगा।